नमस्ते दोस्तों, द येलो किचन में आपका स्वागत है। आज हमारे येलो किचन में बनने वाला है ट्रेडिशनल फूड दाल पूरी और बखीर, जो हमारे यहाँ पारंपरिक रूप से बनाया जाता है। अब हम गैस पर कुकर चढ़ाएंगे और गैस चालू करके इसमें 2 चम्मच हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे। हम राई का तेल भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पर। तेल हमारा गर्म हो जाए तब इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा हमारा चटकने लगे उसके बाद इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट जो हम 1 चम्मच लिए हैं वो डाल देंगे। और अच्छी तरह से उसे चलाएंगे और बाद में जो 1/4 चम्मच हींग है वो डाल देंगे। हल्दी डाल देंगे 1 चम्मच। 2 चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर लिए वो डाल देंगे और मसालों को अच्छी तरह से भूनेंगे। मसाले हमारे जल न जाएं इसलिए हम उसमें 1 चम्मच पानी भी डाल देंगे और मसालों को अच्छी तरह से भूनेंगे। अब हमारा मसाला जो है भूनकर रेडी हो गया है। इसमें अब हम 2 कटोरी भीगे हुए चने की दाल जो है वो डालकर अच्छी तरह से चलाएंगे। इसमें स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे। फिर से इसे हम अच्छी तरह से चलाएंगे। मसाला सब हमारा चने की दाल में अच्छी तरह से मिल चुका है। अब इसमें हम इतना पानी डालेंगे कि चने की दाल जो है पूरी उसमें डूब जाए। चने की दाल हमारी पूरी तरह से पानी में डूब गई है। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे नहीं तो हमारा पूरन जो है वो गीला रह हो जाएगा। तो इतना ही पानी डालेंगे कि पूरी तरह से पानी में डूब जाए और अच्छी तरह से पक जाए। इसमें पानी हम इसलिए कम डालेंगे क्योंकि दाल हमारा पहले से भीगा हुआ है और ज़्यादा पानी डालने से दाल जो है बहुत गीली हो जाएगी। अब हम इसे 10 मिनट के लिए बंद कर दिए। 10 मिनट बाद हम कुकर खोलेंगे। 10 मिनट हो चुका है, अब हम कुकर खोलेंगे। वाह, हमारी दाल एकदम खिली खिली पकी हुई दिख रही है। एक कलछी से हम दाल को अच्छी तरह से मिलाएंगे और उसे दबा दबा के पूरे दाल को अच्छी तरह से घोट करके एक अच्छा पूरन तैयार करेंगे। हमारा जो है पेस्ट एकदम बारीक पेस्ट तैयार करेंगे स्मैश करके, कि हम जब पूरन पूरी बनाना शुरू करें तो सीखते समय पूरी हमारी फटती नहीं है और अच्छे तरह से वो फूलता है। इसलिए पेस्ट हमारा बहुत ही बारीक होना चाहिए, इसका ध्यान रखें और अच्छी तरह से उसे मिलाएं। अब हम दाल पूरी के लिए एक नरम सॉफ्ट आटा गूंथ करके तैयार करेंगे। थाली में हम 2 कटोरी गेहूं का आटा लेंगे। उसमें हम 1 चम्मच अजवाइन, हथेलियों से रगड़ कर डालने से अजवाइन का एक अच्छा फ्लेवर आता है इसलिए उसे हम हथेली से रगड़ के अजवाइन को डालेंगे। नमक और अजवाइन को अच्छी तरह से मिलाएंगे और फिर हम उसे अच्छी तरह से गूंथेंगे। गूंथ करके एक अच्छा डो बनाएंगे। हमारा डो अब रेडी हो गया है। इसे हम कम से कम मसल के 2 से 3 मिनट तक मसलेंगे और थोड़ा सा तेल डाल के इसकी चिपचिपाहट कम हो जाएगी। तेल डालने से डो हमारा और सॉफ्ट तैयार होता है और चिपचिपा नहीं रहता।
डो हमारा कितना सॉफ्ट रेडी हो गया है। नरम डो होने से हमारी पूरन पोली जो है बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी बनती है। अब हम इसे बाउल लेंगे, उसमें थोड़ा तेल लगा करके उसमें 10 मिनट के लिए आटे को सेट होने के लिए हम ढक करके रखेंगे। अब हम आटे की लोई लेंगे, उसे अच्छी तरह से हथेलियों से मसल कर एक बॉल जैसा बनाएंगे गोल, और थोड़ा सा आटा लेंगे, बीच में गोला करेंगे दोनों हथेलियों से अंगूठे की सहायता से, और दाल का जो पूरन तैयार की है वो हम उसमें भरेंगे। भरते समय ये ध्यान दें कि हमेशा थोड़ा अंगूठे की सहायता से अंदर की तरफ दबाते हुए अच्छे से भरें, नहीं तो हमारी पूरन पोली बेलते समय वो फूट जाएगी। थोड़ा सा परथन लगा करके हाथों से पहले हम अंदर के पूरन को अच्छे से फैला लेंगे, तो हमारा पूरन जो है एक जगह इकट्ठा नहीं होगा, वो पूरी चारों तरफ वो जो है फैल जाएगा। अब हम हल्के हाथों से इसे बेलेंगे, ज़्यादा दबा के नहीं बेलना है नहीं तो फट जाएगा और हमारा पूरी जो है अच्छे से फूलेगा नहीं। इस तरह से हम पूरन पूली बेल कर हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसे तवे पर पराठे के जैसे सेकें। अब हम अपना पूरन पूली जो बनाए हैं तवे पर डाल दिए हैं, अब हम इसे पराठे की तरह अच्छे से सेकेंगे। सेकते समय हमें यह ध्यान रखना है कि उसे हमें दबाना नहीं है, हल्के हाथों से हमें उलट पलट के सेकना है, तब पूरन पूरी जो है हमारी अच्छे से फूलेगी। दबाने से अच्छे से फूलती नहीं है, इसलिए हमें उसे ज़ोर से दबाना नहीं है, हल्के हाथों से वो उलट पलट करना है। देखिए हमारी पूरी कितनी अच्छी तरह से फूल रही है, वाह बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी हम बखीर बनाएंगे। बखीर के लिए हम कुछ सामान लिए हैं, दूध, भीगा हुआ चावल, गुड़, इलायची और घी। गैस पर हम कुकर चढ़ाएंगे, कुकर गर्म हो जाने के बाद उसमें एक चम्मच हम घी डालेंगे। हमारा घी अब गर्म हो गया है, इसमें हम भीगा हुआ जो चावल है एक कटोरी वो डाल देंगे और अच्छी तरह से चावल को एक मिनट तक घी में हम उसे भूनेंगे। भूनने से चावल में एक अच्छी सौंधी खुशबू आने लगती है और बखीर हमारा बहुत ही टेस्टी बनता है, इसलिए हमें चावल को 1 से 1.5 मिनट तक उसे अच्छी तरह से भूनना है। चावल अब हमारा भूनकर हो गया है, अब हम इसमें 1.5 कटोरी पानी डालेंगे। जिस कटोरी से हम चावल लिए थे उसी कटोरी के माप से 1.5 कटोरी पानी डाल देंगे और अच्छी तरह से मिला करके हम कुकर को अभी बंद करेंगे और चावल को पकने के लिए 5 से 6 मिनट के लिए रख देंगे। चावल हमारा जल्दी पक जाता है क्योंकि चावल पहले से हमारा भीगा हुआ था, भीगा हुआ चावल होने की वजह से पक जाता है। 5 से 6 मिनट हो चुका है,
अब हम कुकर खोलेंगे। हमारा चावल एकदम खिला खिला पक गया है। बखीर का चावल जो होता है वो एकदम घुला हुआ होना चाहिए। अब हम इसमें उबला हुआ दूध डालेंगे। उबला हुआ दूध हम इसलिए डालेंगे क्योंकि हम गुड़ का पाउडर डालने वाले हैं। अगर कच्चे दूध में हम गुड़ का पाउडर डालते हैं तो दूध जो है हमारा वो फट जाता है, इसलिए हमें ध्यान देना है कि उबला हुआ दूध ही डालें। अब हम इसमें एक कटोरी गुड़ का पाउडर ली हूँ वो डालूँगी, क्योंकि हम बखीर जो है वो गुड़ में ही बनाते हैं। खीर जो है वो शक्कर में बनाया जाता है, लेकिन बखीर गुड़ के अंदर बनाया जाता है, गुड़ डालकर बखीर बनाया जाता है। इसमें अब मैं इलायची पाउडर एक चम्मच ली थी वो डाल दी, कुछ कटे हुए बादाम के टुकड़े हैं वो डाल दिए, और कुछ बादाम गार्निश के लिए मैं रख ली। अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे। जैसे हमारा गुड़ चावल में अच्छी तरह से घुल जाए। हमारा बखीर तैयार हो चुका है। अब हम इसे सर्व करेंगे अच्छे से प्लेट में। बहुत ही खिला खिला बखीर हमारा तैयार हुआ है। इसे हम बादाम के टुकड़े और कुछ किशमिश से हम इसे सजाएंगे। आप भी इस डिश को बनाइए, खाइए, खिलाइए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।